श्री मारू सैन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को मारू सैन मंदिर में आयोजित किया गया। समारोह में अध्यक्ष दिलीप गहलोत सहित 21 कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ संत शिरोमणि सैन जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का माला पहनाकर अभिनंदन हुआ। इसके पश्चात डॉक्टर सीपी सैन ने अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान अपने उद्बोधन में अध्यक्ष दिलीप गहलोत ने सामाजिक एकता, संगठन की आवश्यकता और सैन समाज के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सैन समाज में बड़े बड़े वीर हुए, यह वह मोती है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण सैन समाज के योगदान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज समाज द्वारा मुझे जो अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया, इस हेतु वे समाज के आभारी हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर समाज विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस दौरान सैन समाज पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल भाटी का भी समाज द्वारा स्वागत कर उन्हें विदाई दी गई। विदाई के दौरान अशोक सैन ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह के दौरान रामेश्वर सिसोदिया, बोधलाल धांदल, भैरूलाल खीवसर, भवनलाल बनभेरू, रतनलाल गुर्जर, रामपाल गहलोत, गोपाल छापरवाल, दिलीप बड़गुजर, महावीर मेवाड़ा, नरेंद्र हर्षवाल, रामनिवास, जगदीश प्रसाद गहलोत, ओम प्रकाश सोलीवाल, रमेश चंद्र चौहान, बाबूलाल गहलोत, कन्हैयालाल धांदल, राजूलाल सुरंग और लक्ष्मीकांत बनभेरू आदि उपस्थित रहे। मुझे एक अहम पद पर रखे, मेरे जो समाज के अंदर जो कार्य किया, समाज ने मुझे जो मौका दिया, क्या मैं उस कार्य के अंदर जितना भी सफल हो सका, वो सब आप लोगों की भावना, आप लोगों का सहयोग, इसकी वजह से मैं ये कार्य सफल करने में रहा। मैंने कोई कार्य समाज का नहीं किया, समाज का कार्य आप लोगों ने मिलके कार्य किया और मैं बहुत बहुत धन्य मेरी कार्यकारिणी के उन सदस्यों को देता हूँ जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। पूरी दिशा और दशा दोनों चीज बताई। मैं उन पूर्व जो इस समाज को, इस भवन को खड़े करने वाले जो स्वर्ग में गए हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिन लोगों ने अपने अथक प्रयास से उस समय में कितना पैसा कमाया जाता होगा, तब उन लोगों ने क्या अपना योगदान दिया होगा, वो योगदान से आज ये भवन खड़ा हुआ, ऐसे महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। शहर में बुधवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर गृहिणियों ने आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी है। मंगलवार को माताजी के पूजन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उधर शीतला सप्तमी के अवसर पर सूरजपुर गेट स्थित शीतला माता मंदिर पर भी मेले का आयोजन होगा। शीतला माता मंदिर के सेवादार तिलोक चंद्र शर्मा के अनुसार इस साल शीतला माता